श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर आप चांदी के नाग और नागिन को नदी में बहाएंगे तो कभी भी लक्ष्मी की किल्लत नहीं होगी आपको अपने घर में, पैसे से घर हमेशा भरा रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में बताए गए अशुभ योगों में से एक है कल्प सर्प योग। इस योग के प्रभाव व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है फिर भी उचित फल नहीं मिलता है, प्रतिफल नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं आता है, पैसों की तंगी बनी रहती है और कोई भी जब वो काम करने जाते हैं तो उसमें असफल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि काम बन रहा है, बनते बनते बिगड़ जाता है। जो पारिवारिक रिलेशन में भी एक खटास उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। अब कल्प सर्प योग के प्रभाव से मुक्ति के लिए बहुत सारे लोग उपाय करते हैं, लोग पंडितों से करते हैं, लोग नासिक जाते हैं, कोई गंगा किनारे जाता है। नासिक और उज्जैन जो श्रेष्ठ स्थान माना जाता है जहाँ पे विधिवत काल सर्प योग की पूजा होती है। और यही विधान बताया कि यहीं पे दो जगह पर, ये देखिए कहीं ना कहीं ज्योतिष सही होता है। अगर आप अंधविश्वास मानते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसको किस वे में लेते हैं। पर इन सब के अलावा भी एक उपाय है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग है उसकी शांति के लिए उसे किसी पवित्र नदी में, गंगा नदी हो तो बहुत अच्छी बात है, पवित्र नदी में चांदी के नाग और नागिन बनवाकर बहा देना चाहिए। अभी किसी भी शुभ मुहूर्त में चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवाइए, फिर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर्म करने के बाद नदी के तट पर जाइए। इसके बाद इष्ट देव शिव जी, अय्या के जो भी इष्ट देव हैं, अन्य देवी देवताओं का ध्यान करिए। उसके बाद नाग देवता से कल्प सर्प योग के दुष्प्रभाव को समाप्त करने की प्रार्थना करें और चांदी के नाग नागिन को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। इस उपाय से व्यक्ति की सभी परेशानियां खत्म होती है, लक्ष्मी साक्षात आपके घर में आनी शुरू हो जाएगी, पैसे की किल्लत खत्म हो जाएगी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।